नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र अंतर्गत सोलागढ़ी तालाब के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने अपने पति मनोज महतो के साथ घर जा रही रेणुका देवी से 1,50,000 रुपए की छिनतई करते हुए फरार हो गए। आपको बताते चले कि मनोज कुमार महतो पिता नुकुल महतो अपनी पत्नी रेणुका देवी के साथ जोधा डी मोर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से 3,47,000 रुपए निकासी कर बैंक के नीचे स्थित पोस्ट ऑफिस में 2,00,000 रुपए जमा कर दिए, जिसके बाद 1,74,000 रुपए लेकर वह घर जा रहे थे, जिसमें से 1,50,000 रुपए महिला रेणुका देवी के पास था और बाकी का पैसा उनके पति मनोज महतो के पास था। जैसे ही दोनों पति पत्नी सोलागढ़ी तालाब के पास पहुँचे, पीछे से एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने पीछा करते हुए चकमा देकर महिला के हाथ में रखे हुए बैग जिसमें 1,50,000 रुपए थे छीनकर भागने में कामयाब हो गए। घटना के बाद महिला रेणुका देवी चास मुफस्सिल थाना को घटना की जानकारी दी। चूंकि घटना चास थाना क्षेत्र की थी, इस कारण से चास मुफस्सिल थाना के प्रभारी ने इसकी सूचना चास थाने को दी। तत्पश्चात चास थाना की पुलिस टीम मामले की जाँच में जुट गई और उसके बाद बैंक में स्थित सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी। पुलिस मौके पर पहुंच बैंक और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। 2,00,000 तक फोन सब को खुला खाता पर रखा होती है। मुझे कल चेक बुक दे दो, जमा पूरा जमा कर दो। 2,00,000 आज जमा कर। आज पासबुक खाता में खुला खाता में रख ले। खुला खाता रख ले। एक खाता तो संगे है। हां 1,50,000 मेरे को लगा। अपना मतलब 24,000 है। दिनांक 18/10/22 को मनोज कुमार अपने पत्नी रेणुका देवी के साथ बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाल कर जा रहे थे। पत्नी उनके मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थी, झोला में पैसा लेकर बिना रेसिडेंसी के आगे दो अज्ञात अपराधकर्मी पैसा छीन कर भाग गए। कितना पैसा था सर? 1,50,000 रुपया था। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।